नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर की ओर रुख करने का। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जिले के ज्यादातर सरकारी भवनों की हालत खंडहर में तब्दील हो चुकी है, तो कई स्कूलों में शिक्षा की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती है, वहां शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच जाते हैं। ताजा मामला डिंडौरी के विकास खंड के टिकरी पिपरी हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों का आज गुस्सा फूट पड़ा और स्कूली छात्र कलेक्टर से मिलने के लिए डिंडौरी के लिए निकल पड़े। बता दें कि टिकरी पिपरी गांव से डिंडौरी जिला मुख्यालय की दूरी तकरीबन 23 किलोमीटर है और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि शिक्षण सत्र शुरू हुए 1.5 महीने हो गए, लेकिन अब तक उनकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। स्कूल के प्रिंसिपल समेत कुल 2 टीचर हैं और स्कूल की दर्ज संख्या तकरीबन 350 के करीब है, यानी कि 350 छात्र एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल छात्रों को पढ़ाना छोड़ स्कूल के अन्य कामकाजों में व्यस्त रहते हैं और दूसरे शिक्षक अकेले 9वीं और 10वीं क्लास को पढ़ाते हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर आज स्कूल के छात्र लामबंद हो गए और नारेबाजी करते हुए पैदल ही डिंडौरी के लिए निकल पड़े। स्कूली छात्रों के पैदल मार्च की जानकारी लगते ही विकास खंड शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष छात्रों से मिलने पहुंचे। तब तक छात्र तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर चुके थे। छात्रों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से शिक्षकों की कमी के बारे में बताया, तो साथ ही ये भी बताया कि स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल व सहायक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं और छात्राओं के साथ भी अभद्रता करते हैं। लिहाजा जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देश पर जनजातीय विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्कूल में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन भी दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद आधे रास्ते से छात्र वापस अपने घर लौटे। आप भी सुनिए इस बारे में छात्रों, अभिभावकों और अधिकारियों का आखिर क्या कुछ कहना है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी पिपरी ग्राम प्रचारित नारायण डी की छात्राएं हैं। सर, हमारे विद्यालय में अभी 1.5 महीना निकल गया सर, लेकिन अभी एक भी हमारा चैप्टर नहीं हुआ है और हमारा अगले महीने एग्जाम है और अभी तक एक टीचर भी नहीं आए। हम क्या करें सर, ऐसे में हमारा तो पूरा भविष्य, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारी जब पढ़ाई नहीं होगी तो हम एग्जाम कैसे लिखेंगे? हम वैसे भी हमारा बोर्ड क्लास है सर और अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। हम बताइए क्या करें हम लोग। कितने टीचर हैं आपके यहाँ स्कूल में? अभी सिर्फ 2 टीचर हैं। 2 टीचर जी, हमारे प्रचार महोदय और उनके सहायक हो गया, उसके बाद कोई भी नहीं है। तो हमें कोई नहीं पढ़ाता है, वो सिर्फ अपना वर्क करते हैं, जो कार्यालय वर्क है वो करते हैं और हम लोग सर हम लोग जाते हैं अपने से पढ़ते हैं। कुछ लोग हल्ला करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कोई संभालने वाला है नहीं सर। तो हम लोग क्लासेस वगैरह नहीं लग रही? एक भी क्लासेस नहीं लगी है सर, 1.5 महीना निकल गया। तो अभी आप लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं? कलेक्ट्रेट जा रहे हैं सर। पैदल जा रहे हैं जी? कितनी दूर है मालूम है आपको? 23 किलोमीटर दूर है सर। पैदल जाएंगे ऐसे ही? जी सर। क्या नाम है आपका? कुमारी प्रियंका गोयल, कक्षा 12वीं, कृषि संकाय। जा रहे हो, क्यों जाना पड़ रहा है आप लोगों को पैदल? सर, हम लोग कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में 1.5 महीने से हो गए, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है, सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, तो वो अपने नहीं संभाल सकते हैं। हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और इस साल हमारा बोर्ड क्लास भी है सर, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको शिक्षक चाहिए सर। तो कहाँ जा रहे हैं पैदल आप लोग? हम कलेक्ट्रेट जा रहे हैं सर। कितनी दूर है कलेक्ट्रेट आपके स्कूल से? 23 सर। 23 किलोमीटर? जी सर। तो पैदल जा रहे हैं? जी सर, पैदल जाएंगे सर। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह मरावी सर। उत्तर माध्यमिक विद्यालय टिकरी पिपरी के बच्चे हैं। वहाँ क्या है, 2 शिक्षक हैं नियमित हमारे, एक प्रिंसिपल हैं और एक जो है माध्यमिक शिक्षक हैं। वहाँ पर अभी पिछले वर्ष विषयवार शिक्षकों के विरुद्ध हमने अतिथि शिक्षक रखे हुए थे और वो पढ़ा रहे थे। इस बार भी उन्हीं को जो है रखा जाना था, लेकिन इस बार क्या है, लोक शिक्षण संचालनालय की कुछ प्रक्रिया जो है चेंज हुई है। GFMS पोर्टल के माध्यम से ही उनकी ज्वाइनिंग हुई होना है। पैनल जो है 23-24 का अपलोड हो चुका है और ज्वाइनिंग जो है अभी जो है 7 तारीख से 12 तारीख तक सभी गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग GFMS पोर्टल के माध्यम से होना है।
जैसी ज्वाइनिंग हो जाएगी वैसी शिक्षक हमारे यहाँ विद्यालयों में उपस्थित हो जाएंगे और अध्यापन कार्य हमारा चालू हो जाएगा। बच्चों की यही मांग है कि हमको विषयवार शिक्षक जल्दी से जल्दी दिए जाए, तो हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चे यही बता रहे हैं जो माध्यम से है, मैनुअल है नहीं है। अगर मैनुअल होगी तो फटाफट हो जाता। अब पोर्टल के माध्यम से पोर्टल के डेट वार जो कार्यक्रम है उसी के अनुसार प्रक्रिया। देखिए टिकरी पिपरी में विद्यालय में दो शिक्षक हैं, मोहन कुशराम और मोहन मरकाम जी। बच्चियों के द्वारा बताया गया, अवगत कराया गया कि उनके द्वारा शराब पीकर विद्यालय में आया जाता है और उनके व्यवहार जो है ठीक नहीं है, और अभी तत्काल हमें इसी ट्रैवल से बात किए हैं कि तुरंत इनका अभी के अभी आधे से घंटे में कार्रवाई किया जाए। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे दो शिक्षकों के ही आधार पे पूरे विद्यालय को रखा गया था, जिसमें पूरे बच्चों का कहना है कि इनके सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जिससे इनकी पढ़ाई में काफ़ी परेशानी जा रही है। साथ साथ में एक आध महीने के बाद एग्जाम होने वाले हैं, काफ़ी समस्या है। आज बड़ा दुख का विषय है कि ग्रामीण अंचल क्षेत्र में वैसे भी शिक्षा के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास करने का मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति यहाँ पे देखी गई, इतनी बड़ी लापरवाही की गई, इसमें तुरंत से तुरंत कार्रवाई करवाने की बात करके बच्चों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप लोग यहीं से वापस चलिए और आप लोग के साथ हम विद्यालय जाएंगे और वहाँ पे विस्तृत जानकारी लेंगे और क्या क्या समस्या है वहाँ। चार साल से परेशान है बच्चे, ऐसा बता रहे हैं। देखिए चार साल से परेशान है, जिसकी जानकारी हमको आज बच्चों से जानकारी लगी, लेकिन आज ही कार्रवाई चालू हो गया और कल 10 से 11 बजे तक में पूरी जो इनकी समस्या है शिक्षकों की, वो पूरी हल कर दी जाएगी। वो दोनों टीचर सस्पेंड कर दिए, दोनों टीचर को आज ही निलंबित किया जा रहा है। अभी तक कितना किलोमीटर तय किए हैं बच्चे? बच्चे लगभग 10 से 12 किलोमीटर लगभग पैदल चल चुके हैं, ऐसा अनुमानित हम हमारा अनुमान। आपने आश्वासन दिए इनको वापस? हम आश्वासन दिए हैं और आज के बाद बच्चों को मैंने वादा किया है कि अब इनको पैदल चल के डिंडोरी नहीं आना पड़ेगा, जब चाहेंगे तब जिला प्रशासन इनके पास जाएंगे। ठीक, के लिए निकले हैं, वो कहाँ जा रहे हैं बच्चे? सर बच्चे हमारे कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं टीचरों की मांग के लिए। कितनी दूर जाना जा रहे हैं? 23 किलोमीटर। पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं सर। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है उन लोगों को? उनकी मजबूरी बन गया है सर। क्या मजबूरी? मजबूरी यह है कि टीचर है ही नहीं, जो टीचर हैं वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। एक महीने हो चुका है, एक महीना पूरी जुलाई का निकल गया, कोई अटेंडेंस नहीं लिया गया। बच्चे एक महीना से रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, आज तक कोई टीचर ही नहीं। और ये टीचर जो हैं तो 11 बजे कोई 12 बजे जाते हैं। सिर्फ दो टीचर हैं अभी? बस दो टीचर हैं। दर संख्या कितनी है? दर संख्या सर 340 बताया गया। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे फिर बनेगा? फिर बच्चों का भविष्य तो सीधे अंधकार है सर। क्या है बच्चों का भविष्य? आज 3 साल से गेस्ट टीचरों के चलते संचालित है संस्था, और जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, सहायक शिक्षक है, ये तो देखो तो बीच में धुत रहते हैं पीपा के। मेरे साथ में ही अभद्र व्यवहार किए मेरे बच्चों के साथ में। पिछले मेरे को डेट याद नहीं आ रहा है, जबकि मेरे को कन्फर्म याद था, और हमारी इनकी इस बातों से बुराई भी हो चुकी थी नौसा की होटल में। मुझे रो करके 7 बजे के शाम को मेरे साथ में अभद्र टाइप से बात विवाद किए थे, भेड़ बकरी बोला गया था। पालक बालक सब भेड़ बकरी बोलते हैं ये। तो अधिकारी नहीं आते कभी देखने? अधिकारी आज तक कोई नहीं आए, आते भी होंगे तो चुपचाप चले जाते हैं। अभिभावक या पालकों से ना बच्चों से कोई जानकारी लिया गया नहीं आज तक, किसी को पता ही नहीं। क्या नाम है आपका? ललित कुमार गोयर। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी पिपरी जिला डिंडोरी है। यहाँ पे दो शिक्षक पदस्थ हैं, मैं एक प्रभारी हूँ और मेरे साथ एक अध्यापक, मात्र दो शिक्षक यहाँ पे पदस्थ हैं। और होना कितने चाहिए? यहाँ पे 17 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 15 अतिथि रखते हैं। 15 अतिथि अभी आए नहीं है शासन स्तर से, आज उसका एक आदेश आया हुआ है, कल से उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑपरेटर वगैरह नहीं है कंप्यूटर? नहीं, ऑपरेटर नहीं है। बाबू भी नहीं है? एक लिपिक है जो विकासखंड कार्यालय में अतिरिक्त कार्य करता है। स्कूल में कितने पद स्वीकृत हैं? 17 पद है स्वीकृत। तो उनकी कैसे पूर्ति होती है फिर? अतिथियों से भर्ती की जाती है। आज बच्चे पैदल गए हैं, डिंडोरी जिला मुख्यालय गए हैं? हाँ, इसके बारे में मुझे जानकारी है, मुझे इससे बात की है। बच्चों को मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लोक संचालनालय का आदेश अभी आया था, उसको भी मैं बच्चों को दिखाया कि कल से उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन बच्चे जो है नहीं माने। उनको उनके साथ दो चार पालक ऐसे थे जो उनको वो करते थे,
मोटिवेटर, वो पालक ही उनको डिंडोरी लेके गए। सर शिक्षक नहीं हो रहे तो क्लासेस भी नहीं लग पा रही होंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी मैं समझता हूँ, बच्चों का दर्द को मैं समझता हूँ क्योंकि एक शिक्षक के नाते। लेकिन मेरे पास भी इतनी काम है, हायर सेकेंडरी संचालन करना, 11वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक का विद्यालय है, कला संकाय, कृषि संकाय, विज्ञान संकाय, 3 संकाय संचालित हैं, कुल 10 कक्षाएं, 10 कक्षाएं, मात्र 2 शिक्षक हैं। अभी भर्ती प्रक्रिया चालू है, छात्रवृत्ति कार्य प्रगति पर है, नामांकन का कार्य हो रहा है, और इसके बाद 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा फार्म भरे जा रहे हैं, साइकिल का कार्य प्रारंभ है। ये काम हम दोनों करते हैं और ये नेटवर्क विहीन है, यहाँ पे कोई भी संसाधन नहीं, जो भी एक थोड़ा सा भी काम अगर आया तो हमको नेट के लिए या कंप्यूटर कार्य के लिए डिंडोरी जाना पड़ता है। तो बच्चों की मांग कहीं ना कहीं जायज है, मंगों बच्चों की मांग जायज है, लेकिन उनको मैंने अपने स्तर से समझाया है कि अतिथि आएंगे तो आपको। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। जाहिर है मध्य प्रदेश में शिक्षा का हाल बदहाल है, बच्चों का भविष्य के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जवाबदार जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारी इस मामले पर आंख बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।